हेलो गाइस वेलकम टू टनिकल वाइन्स कैसे आप सब लोग तो गाइस आज के वो फिर से बात करने वाले हैं आर इंटरव्यू सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ठीक है तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना से, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने इंटरव्यू दिया था अपना और जो मेरा क्रैक भी हो चुका था इंटरव्यू तो वहाँ पे मेरे से जो आज की वीडियो में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वही क्वेश्चन मेरे से वहाँ पे पूछा था और मैंने उसका आंसर दिया था और क्या इफेक्टिव आंसर दिया था मैंने मतलब तो वही एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ आपको सबसे शुरू में ठीक है तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा सोलवा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कि आर यू विलिंग टू रियलोकेट और ट्रैवल ठीक है ये क्वेश्चन आपसे हर कोई एच करते ही करते हैं वहाँ पे ठीक है जैसे कि मान लो आप लोग रह कहीं रहे हो मतलब आपका घर दूर है और कंपनी आपकी डेली या फिर नोएडा है वहाँ पर ठीक है तो वहाँ पर हर कोई आपसे पूछे कि आप लोग मतलब रियलोकेट और ट्रैवल कर सकते हो या नहीं मतलब कि वहाँ पे वहाँ, तो वहाँ पे से आके यहाँ पे आप रह सकते हो या नहीं या फिर आपको आपका मतलब ट्रैवल का काम है आपको आज यहाँ पे जाना है कल वहाँ पे कंपनी का काम है तो वो कर सकते हो या नहीं ठीक है तो ये मेरे से ही पूछा था उन्होंने क्योंकि तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था सर आप काफ़ी टाइम से घर पे आ रहे हो और अगर आपको सडनली चेंज करना पड़ेगी अपनी लोकेशन तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उसको तो मतलब आप मेरा एक्चुअली मेरी जो कंपनी का कांट्री था वो मोहाली में है चंडीगढ़ तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप लोग वहाँ पर आकर रह सकते हो या नहीं रह सकते हो ठीक है मतलब कि इन्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हो या नहीं अपना तो मैंने इसका यही आंसर दिया कि मैम मैं ऑलरेडी छः साल से बाहर ही रह रहा हूँ मतलब कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो बाहर रहकर किया हरिद्वार में तो मैंने उनको बताया मैं ऑलरेडी छः साल से बाहर ही रह रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ की आदत है मैं इस चीज़ से हेविचुअल हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मैंने सिंपल ये आंसर दिया उनका ठीक है ओके okay. तो अब बात करते हैं आप लोगों को क्या आंसर देने हैं ठीक है तो मैंने जो अपने आंसर दिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके दे दिए आप लोग जैसा वहाँ पर भी जैसा आप कंफर्टेबल उनको फील कराते हो खुद फील करते हो मतलब कंफर्टेबल फील करते हो इंग्लिश में हिंदी में तो आप वैसा ही आंसर देना कोई जरूरी नहीं होता इंग्लिश में आपको आंसर देना ठीक है, तो है वो बात अलग है आपका इंटरव्यू क्रैक हो या नहीं हो बट इंग्लिश अगर आपको आती तो इंग्लिश में दीजिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप हिंदी में अपने आंसर दे सकते हो ठीक है तो पहली फॉर्मेट जो आती है यहाँ पे निकल कर आती है यस श्योर आई कैन वर्क इन न्यू प्लेस बिकॉज आई लाइक फेस न्यू चैलेंजेस इन माय वर्क ठीक है मतलब आप ये बोल सकते हो मैं नए नए प्लेस पे वर्क कर सकता हूँ बिकॉज क्योंकि आई लाइक फेस न्यू चैलेंजेस मतलब मुझे न्यू चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है और इन माई मतलब अपने काम में अच्छा लगता है ठीक है और सेकेंड फॉर्मेट जो हमारे यहाँ पर निकल कर आती है गाइस सेकेंड फॉर्मेट आती है यस सर आई एम ऑलवेज रेडी टू रियल्यूकेट बिकॉज इट वुड बी लर्न न्यू थिंग्स एज आई वॉन्ट टू बिल्ड माई करियर एज वेल एज माई नॉलेज अलॉन्ग विद द टेस्टिंग न्यू पीपल एंड न्यू कल्चर ठीक है ये फॉर्मेट मुझे अच्छी लगती है बट काफ़ी मतलब थोड़ी सी बड़ी फॉर्मेट है आ, अगर आप लोग इसको अपने से रिलेट करोगे तो आप इसको इसको बहुत ईजी वे में बोल सकते हो वहाँ पर ठीक है इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है हमने यही बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि मैं जो हूँ वो रियलोकेट कर सकता हूँ क्योंकि क्योंकि मैं खुद चाहूँगा कि मैं नई चीज़ें सीखूँ वहाँ पे जाके वहाँ के नए कल्चर के बारे में वहाँ पे कुछ नॉलेज लूँ मैं नए लोगों से मिलूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं ये सब कर सकता हूँ ठीक है और थर्ड फॉर्मेट में जो हमारी निकल कर आती है यहाँ पे थर्ड फॉर्मेट हमने ये लिखा है यस चेंजेस इज़ द रूल ऑफ लाइफ आई एम रेडी टू रियलोकेट बिकॉज आई वांट टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स दैट आर न्यू टू मी एंड फॉर माय फ्यूचर ठीक है ये भी अच्छी फॉर्मेट है यहाँ पे सबसे पहली लाइन हमने जो काफ़ी इफेक्टिव बोल बोलते यस चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ ठीक है मतलब कि बदलना ही लाइफ का रूल है वो हर कोई बदलता है तो आई एम रेडी टू रियलोकेट बिकॉज आई वांट टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स ठीक है एंड देट आर न्यू टू मी टू मी एंड फॉर माई फ्यूचर मतलब कि न्यू चीज़ें जो है वो मेरे फ्यूचर और मेरे लिए ही बेटर रहेंगी ठीक है और जो हमारी फोर्थ फॉर्मेट गाइस यहाँ पर निकल का निकलवाती है वहां आई एम रेडी टू ट्रेवल टू टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इफ यू प्रोवाइड मी विद द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ठीक है मतलब ये भी आप बोल सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा हमने अपना एटीट्यूड सा दिखाया मतलब इस फॉर्मेट में मतलब कि वो है कि हाँ मैं जा सकता हूँ बट उसमें जो है कि आप लोग मेरे को थोड़े से रिक्वायरमेंट्स मतलब कि आप लोग थोड़ी सी मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे तब ठीक है और फिफ्थ फॉर्मेट हमारी यहाँ पर निकल आती है इट्स ए बिग यस बिकॉज इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड द फ्रेशर यू मस्ट अडेप्ट चेंजेस एंड एक्सप्लोर मी ठीक है अगर वैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आपने इंजीनियरिंग का कोई से भी कोर्स किया है चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर बी टेक में आपको आपने कोई से भी इंजीनियरिंग की हो एम सी वगैरह किया हो तो मतलब आपको वहाँ पर पहली चीज़ यही सीखाया जाता है कि अपॉर्चुनिटी जो है मतलब नई चीज़ें नई चीज़ें सीखो मतलब कि वो ये कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी को वहाँ पर आप पकड़ के रखो जो भी आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसको मतलब सीखो नई चीज़ें सीखते रहो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलती जो भी मिल रही है उसको सीखते रहो ये इंजीनियरिंग में सबको सिखाया जाता है ऑलमोस्ट तो यहीं पे हमने वही चीज़ें यूज़ की हैं इट्स ए बिग यस मतलब कि मतलब कि इसका मतलब वो है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ ठीक है बिकॉज इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग एंड द फ्रेशर यू मस्ट अडेप्ट चेंज एंड एक्सप्लोर मी और मैं बता दो ये जितनी फॉर्मेट है ये मोस्टली फ्रेशर्स के लिए हैं जो लोग फर्स्ट टाइम या फिर अपना मतलब फ्रेशर में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं ठीक है एक्सपीरियंस वालों के लिए मुझे नहीं लगता ये काम करेंगे ठीक है तो क्योंकि आज की वीडियो में इतनी फॉर्मेट थी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए मैंने और भी फॉर्मेट्स बनाई हैं प्लीज़ उनको जरूर देखना और बहुत ही अच्छी फॉर्मेट है वो ठीक है तो इस वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद